जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामने इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी माध्यम NCERT बुक के अध्याय 2 परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे और इसके बाद बोरबरी का नियम पढ़ेंगे और आगे चल कर के बोरबरी नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि वास्तव में किसी तत्व के परमाणु के कोष में कैसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है आप समझिए, किसी तत्व के परमाणु ऑर्बिटल में या ऐसे कह लीजिए कि किसी तत्व के परमाणु के भिन्न भिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरित होने की व्यवस्था को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बोरबरी का नियम है, तो पहले बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसके बाद आफबा नियम है, आफबा नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग बोरबरी नियम, तो यहाँ देखें दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बोर और दूसरे का नाम था बरी। इन दोनों रसायनज्ञों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए नियम प्रस्तुत किया था जिसे हम लोग बोरबरी नियम कहते हैं। अब बोरबरी नियम क्या है, तो बोरबरी का पहला नियम ये है कि किसी भी तत्व के कोष में, कोष माने कक्षा में, अधिक से अधिक 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। याद रखे रहिएगा, किसी भी कोष में अधिक से अधिक 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जहां n कोष की संख्या है। सपोज कीजिए अगर पहला कोष हो तो n के जगह पे 1 हो जाएगा, और अगर n के जगह पे 1 हो जाएगा तो 2, और ये n के जगह पे 1 1 का स्क्वायर यानी 2 × 1 यानी 2। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से कम रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं लेकिन 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसी तरह से अगर n के जगह पे 2 करें यानी दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये 2 × 2 हो जाएगा 2² तो 2 × 2² 4 हो जाएगा और 4 × 2 हो जाएगा 8। यानी दूसरे कोष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 से कम रह सकते हैं लेकिन 8 से अधिक नहीं रह सकते। इसी तरह से अगर n के जगह पे हम 3 कर दें यानी तीसरे कोष की बात करें, तो तीसरे कोष में देखें ये 2 और n के जगह पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे 9 × 9 = 18 हो जाएगा। यानी तीसरे कोष में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 से कम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 रह सकते हैं लेकिन 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इसी तरह से अगर n के जगह पे हम 4 कर दें यानी चौथे कोष की बात करें, तो चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये 2 × 4² 16 है, और 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 32 हो जाएगा। यानी चौथे कोष में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 32 से कम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 32 भी रह सकते हैं लेकिन 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते।
तो इस तरह से पहला नियम ये था कि किसी भी कोष में अधिक से अधिक 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये पहला कोष था, K कोष, L कोष, M कोष, N कोष, इसी तरह से O P Q R कोष है। तो याद रखे रहे, ये K कोष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये नाभिक के सबसे निकट होता है। फिर यल कोष दूसरा कोष होता है, इसमें अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके बाद यम कोष होता है, यम कोष में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर इसके बाद यन कोष होता है, यन कोष यानी चौथा कोष, चौथे कोष में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये पहला नियम है। इसके बाद दूसरा नियम क्या है, आप ध्यान से देखें, सबसे बाहर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तथा उससे पहले वाली कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम ये है कि सबसे पहले के कोष माने पहला कोष, सबसे पहले के कोष भरना शुरू होता है, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यल कोष भरना शुरू होता है। जब यल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यम कोष भरना शुरू होता है, जब यम में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यन कोष भरना शुरू होता है, जब इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसी तरह से आगे के कोष भरते हुए चले जाते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि जब किसी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह कक्षा स्टेबल हो जाती है, वह कक्षा परिपूर्ण हो जाती है, यह माना जाता है। ये तीसरा नियम है। अब इसके बाद चौथा नियम क्या है, चौथा नियम ये है कि सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब उसके पहले की सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी होती हैं। इनको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा और इसके बाद इन्हीं नियम के आधार पर हम बोरबरी नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताएंगे। और इसके बाद पांचवा नियम है, पांचवा नियम ये है कि सबसे बाहर वाली कक्षा से पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब उनके पहले के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो ये 5 बोरबरी के नियम हैं। इन बोरबरी के नियम आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, तो इन नियमों के आधार पर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्वांटम संख्याओं के आधार पर इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चौथे कोष में ये 32 इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं, ये हम क्वांटम संख्याओं के आधार पर आगे आपको बताएंगे। फिलहाल ये बोरबरी का नियम आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिए और हमें उम्मीद है कि ये बोरबरी के पांचों नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डिफिनेशन भी आपको समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।